नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बार फिर पाकिस्तान ने खुद का मजाक उड़ाया है। असल में क्या है पूरा मामला, ये हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। बीते कुछ दिनों पहले फ्रांस में एक फ्रांसीसी शिक्षक ने पैगंबर मोहम्मद का एक विवादित कार्टून अपने विद्यार्थियों को दिखाया था, जिसके चलते अक्टूबर में उनकी गला रेतकर हत्या कर दी गई थी। और इस घटना के बाद पूरे फ्रांस में अफरा तफरी मच गई थी, पूरे फ्रांस में खूब हंगामा मचा। और इस घटना को लेकर फ्रांस के ही राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने इसे इस्लामिक आतंकवाद करार दिया था। उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि अन्य धर्मों की तुलना में इस्लाम एक ऐसा धर्म बन चुका है जिसके चलते पूरी दुनिया संकट में है। और उन्होंने इसके साथ ही साथ अपना ये डर भी जताया था कि उनके मुल्क की 16 लाख की जो मुस्लिम आबादी है, वो कहीं ना कहीं आगे जाकर समाज की मुख्य धारा से अलग थलग हो सकती है। और इस्लामिक आतंकवाद को लेकर जिस तरह से इमैनुअल मैक्रों का जो बयान आया था, इसकी दुनिया के तमाम इस्लामिक देशों ने इसकी कड़ी निंदा की, और साथ ही साथ पाकिस्तान में भी इसको लेकर खूब हंगामा मचाया गया। अभी हाल फिलहाल में इमरान खान के जो वहाँ के वज़ीर आज़म हैं, उन्होंने इसको लेकर अपने स्टेटमेंट्स दिए और इमैनुअल मैक्रों पर इस्लामोफोबिया को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान में फ्रांस विरोधी प्रस्ताव पेश किए गए, और इसके अलावा उस प्रस्ताव में इस्लामिक देशों से या फिर कहीं के इस्लामिक कंट्रीज से ये गुजारिश की गई कि आप भी फ्रांस के प्रोडक्ट्स को बैन करें। इसके साथ ही साथ पाकिस्तान की कैबिनेट में वहाँ के जो विदेश मंत्री है शाह महमूद कुरैशी, उन्होंने भी एक प्रस्ताव पेश किया। और इस प्रस्ताव के तहत उन्होंने फ्रांस से पाकिस्तान के राजदूत को वापस बुलाने की बात कही। लेकिन उनके इस प्रस्ताव को उस वक्त वहाँ कैबिनेट में बैठे तमाम विपक्षी पार्टियों से लेकर सरकार ने अपनी सहमति भी जताई। लेकिन देखिए, सबसे दिलचस्प बात क्या है कि जिस पाकिस्तानी राजदूत को शाह महमूद कुरैशी फ्रांस से बुलाना चाहते हैं, वहाँ पिछले 3 महीनों से फ्रांस में पाकिस्तान का राजदूत है ही नहीं। पिछले 3 महीनों पहले फ्रांस में जो पाकिस्तानी जो राजदूत थे, मोइन उल हक ने फ्रांस छोड़ दिया था और उनका तबादला चीन में कर दिया गया था, और वो चीन में जाके वो वहाँ पे पाकिस्तान के राजदूत बन गए। और पिछले 3 महीनों से इस पद पर कोई नियुक्ति नहीं हो पाई है। अब ये इस बात से ये साफ जाहिर होता है कि शाह महमूद कुरैशी को आखिरकार अपने विदेश मंत्रालय के बारे में कितना ज्ञान है। और इसे एक बात तो साफ है, या तो शाह महमूद कुरैशी को ये पता है कि भाई फ्रांस में ऑलरेडी वहाँ पे जो हमारे पाकिस्तान राजदूत की वहाँ पे नियुक्ति नहीं हुई है, फिर भी वो एक ऐसा प्रस्ताव लेके आए और जिसमें उन्होंने ये कहा कि हम वहाँ से अपने राजदूत को वापस बुलाना चाहते हैं, या फिर वो खुद को सदन के सामने अपने आप को इस्लाम का मसीहा साबित करना चाहते हैं। वैसे आपको बता दें कि अगर वहाँ पे अगर इस तरह का प्रस्ताव पारित हो जाता और अगर पाकिस्तान फ्रांस से अपने राजदूत को वापस बुला लेता, तो एक बार फिर से फ्रांस और पाकिस्तान के राजनयिक रिश्तों पे बहुत गहरा तनाव बढ़ने की आशंका जताई जा रही थी। आपको इसी के साथ बता दें कि फ्रांस की घटना को लेकर पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा हंगामा मचा हुआ है। तुर्की के बाद पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो इस पूरे मामले में बढ़ चढ़कर बहुत एक्टिव नज़र आ रहा है। इमरान खान ने तो इमैनुअल मैक्रों पर इस्लामोफोबिया को बढ़ावा देने का आरोप लगाया ही था, साथ ही साथ फेसबुक के CEO मार्क जुकरबर्ग को भी बकायदा एक लेटर लिखकर इस्लामोफोबिया विरोधी जो कंटेंट होता है उसे सोशल मीडिया की साइट से हटाने की भी मांग की थी। तो इस वक्त पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो वो खुद को दुनिया भर में अपने आप को इस्लाम का मसीहा बनने की कोशिश कर रहा है और तमाम इस्लामिक देशों का नेता बनने की कोशिश कर रहा है। और इस पूरी घटना को लेकर इस वक्त जो सबसे बड़ी बात है कि दुनिया भर के जितने भी इस्लामिक देश हैं, वो ना सिर्फ इस घटना की निंदा कर रहे हैं बल्कि जो इमैनुअल मैक्रों के जो इस्लाम को लेकर जो बयान है उसकी भी निंदा कर रहे हैं। और साथ ही साथ कई देशों में, कुवैत ले लीजिए, जॉर्डन ले लीजिए, वहाँ पर फ्रांस के प्रोडक्ट्स को बैन करने की भी मांग उठ रही है।